अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय सोबिया नज़ीर। इसको हमने कस्टमाइज स्टिच किया है लार्ज साइज पे। लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, इसका जो है ये दामन का, एक तो पहले तो ये पैनल्स हैं इसके। सेंटर पैनल पीच कलर का है और साइड पैनल जो हैं ये टी पिंक कलर के हैं। तो हमने सेंटर पैनल की लाइनिंग सेपरेट डाई करवाई और साइड पैनल्स की लाइनिंग जो है वो सेपरेट डाई करवाई टी पिंक कलर की। अच्छा, ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है जो कि यहाँ से भी अप्लिक हुआ है और फिर यहाँ पर ये वाइट लेस इसके साथ इंक्लूड नहीं थी। वाइट लेस जो है यहाँ पर पूरी इसलिए नज़र नहीं आ रही, जैसे बैक की पूरी नज़र आ रही है। ये ड्रेस के साथ इंक्लूड नहीं थी हमने सेपरेटली, क्योंकि हमारी क्लाइंट को एप्लीक करवानी थी। इस पिक्चर में ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट लेस है, हम लोगों को जो है डिफरेंट मिली। तो ये लेस पूरी एप्लीक हुई है, इसलिए कुछ जगह पे वो पूरी नज़र आ रही है स्कैलप में और कुछ जगह पे जो है कम नज़र आ रही है। देन इसके एज पर वाइट कलर की पर्ल्स लगाएं, ऑफ वाइट जो शेड आता है, और इन साइड पर जो है इसका पलटा सेम कलर का करके तुरपाई हुई है पूरी। उसके बाद है जनाब ये पूरे पैनल्स आ रहे हैं। उसके बाद अच्छा, गले का ये था कि ये जो गले का पैच है ये यहाँ से पूरा एप्लीक हुआ है। ये ऑर्गेन्जा का पैच दिया हुआ था, तो ये इस नीचे जिसकी लाइनिंग है उसके ऊपर ये एप्लीक हुआ है। उसके बाद इसका कस्टमाइज टैसल बनाया है वाइट कलर का, उसके ऊपर जो है सारे इस तरह से पर्ल्स लगे हुए, एंड देन रेशम का टैसल। पैनल्स में अगेन बता दूँ कि पैनल्स जो है वो साइड के डिफरेंट कलर है और मिडल जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, स्लीव्स का ये था कि प्लेन स्लीव्स थी, और स्लीव्स का डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कि स्लीव्स का बॉर्डर जो दामन का है वैसे ही बॉर्डर दिया हुआ है जैसे इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। तो हमने ये किया कि ऑर्गेन्जा और प्लीट्स तो वैसे ही की जैसे पिक्चर में था। ये कलर सेम कलर की लेस लगाई, देन वाइट सेंटर लेसेस और ये लेसेस से ही इसको डेकोरेट किया, क्योंकि वो जो है इंक्लूड नहीं था जो बॉर्डर स्लीव्स का उसमें है। अब आई डोंट नो ये बाकी लोगों को मिला है उसमें इंक्लूड था कि नहीं था, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो सूट आया उसमें इंक्लूड नहीं था और ये लाम से लिया था सूट। उसके बाद जो है स्लीव्स के एज पे भी वैसे ही पर्ल्स लगाएं, तो ये शर्ट हो गई और इसकी लेंथ हुई है तकरीबन कोई 48 या कुछ, काफ़ी लॉन्ग है, 45 या 48। अच्छा, बैक पर ये है कि बैक पर वो जो लेस जो फ्रंट पे, क्योंकि बॉर्डर की वजह से कटवर्क हो गई थी, काफ़ी पूरी नज़र नहीं आ रही थी, तो बैक पर पूरी नज़र आ रही है, एंड बैक पर भी वैसे ही पर्ल्स लगाए हैं, एंड बाकी सारी जो है इसके ऊपर तुरपाई हुई है। बाकी सारा पूरा बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है और वन कलर है, टी पिंक कलर है ये। तो ये हो गया इसकी शर्ट, इसका एक कंप्लीट लुक। इसमें खासी मेहनत इस वजह से हुई कि दो दो कलर का जो है इसका वो फैब्रिक लाइनिंग। उसके बाद है इसका दुपट्टा, और दुपट्टे का ये है कि अच्छा, दुपट्टे पे भी हमारी क्लाइंट को लेस जो है वो चाहिए थी जैसे इसमें भी लगी हुई है, तो हमने सारी एप्लिक कराई है। ये स्कैलप तो उसके ऊपर ही बने हुए थे, बाकी लेस जो है अंदर साइड पे अप्लाई कराई, तो दामन की तरह ये कहीं पर ज़ाहिर ज़्यादा नज़र आ रही है, कहीं पर कम नज़र आ रही है पूरी। फिर इन साइड पर और कुछ नहीं है, नीटली वो लेस लगी हुई, क्योंकि ज़ाहिर वो स्कैलप में था तो उसके अंदर पलटा नहीं लग सकता था। अच्छा, पल्लू के बॉर्डर्स जो हैं ये सेपरेट दिए हुए थे, फिर पल्लू के बॉर्डर्स अप्लिक हुए हैं, ये वाले बॉर्डर्स यहाँ से ये पूरे अप्लिक हुए हैं, और उसके बाद फिर एज पर वैसे ही लेस, और फिर एज पर इसके पर्ल्स भी लगाए हैं। इसकी पिक्चर में भी लगे हुए थे और हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी थी। तो ये इसका दुपट्टा हो गया, नॉर्मल विड्थ का दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट आई थिंक नॉर्मल ही है, ना कम ना ज़्यादा। और उसके बाद है इसका ट्राउज़र, स्ट्रेट पैंट बनाई है, इस पे जो है ऑर्गेन्जा लगाया है। उसमें जो है ऑर्गेन्जा थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए कि उनकी जो लेस है वो ज़्यादा चौड़ी है, बट हमें इस ये सूटेबल ये साइज़ मिला। मोस्टली क्या होता है कि वो रिक्वायर्ड साइज़ जो होता है वो नहीं मिलता, तो इसमें जो है हमने फिर थोड़ा सा ही ऑर्गेन्जा बढ़ता हुआ रखा है, जो कहीं से ज़्यादा नज़र आ रहा है और कहीं से कम स्कैलप की वजह से। बाकी एज पर जो है ये लेस लगाई, और बाकी प्लेन ट्राउज़र है और टी पिंक कलर का ट्राउज़र है, तो जिस जो पीच कलर आ रहा है वो सिर्फ सेंटर में आ रहा है शर्ट के, और दुपट्टा जो है वो पीच कलर का।
सो दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।